हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ट्यूटोरियल में इसमें हम देखेंगे कि जंबोट्रॉन और बैज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं जंबोट्रॉन और बैज कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने कोडिंग पैनल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आउटपुट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ सिंपल, और बटन का मैं डिज़ाइन कर देता हूँ BTN डेंजर। BTN डेंजर में लगा दिया है और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाउनलोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल डाउनलोड लिख दिया है और यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये बटन आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मैं यहाँ पे बैज का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ, स्पान टैग। स्पान के अंदर मैं लिख देता हूँ 2.0 उसका वर्जन, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास में बैज। यहाँ पे मैं लिख देता है बैज। ठीक है, और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे जो 2.0 है वो बैज में लिखा आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो बैज का मैं कलर चेंज कर देता हूँ बैज प्राइमरी लिख देता हूँ और यहाँ पे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास ये सिंपल बैज आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड रैप निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बटन में कुछ और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्राइमरी लिखा था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंजर, यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेस, वार्निंग, वार्निंग लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो, सेकेंडरी, डार्क, और यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने जो यह है बैज वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने वर्ज़न लिखा है और यहाँ पे 2.0 पे वर्ज़न लिखा है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, यानी कि जो बीटा वर्ज़न आता है हमारा वो, यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये बीटा लिखा हुआ सिंपल आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमें जंबोट्रॉन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ, यहाँ पे 2 BR छोड़ देता हूँ और यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हिंदी ट्यूटोरियल आ गया है, मैं यहाँ पे उसके अंदर हिंदी ट्यूटोरियल को पहले क्या कर लेता हूँ, H1 के अंदर डाल देता हूँ। कट करके यहाँ पे मैं H1 टैग ले लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सिंपल बड़ा हिंदी ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया है। अब उसका डिव है, उसके डिव के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास में जंबोट्रॉन। अब सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब जंबोट्रॉन आ चुका है। जब आप हेडर फिक्स करते हैं या फुटर में, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जंबोट्रॉन सिंपल आ चुका है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जंबोट्रॉन फ्लूइड। जंबोट्रॉन जब आप फ्लूइड लिखेंगे तो क्या हुआ, वो निकल गया, क्योंकि आपको एक सिंपल जंबोट्रॉन आगे लगाना पड़ेगा। बाद में वो रिस्पॉन्सिव
होगा, ठीक है, जंबोट्रॉन और जंबोट्रॉन फ्लूइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्रेश स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पे ये वो रिफ्रेश भी आप सिंपली करेंगे तो जो रिस्पॉन्सिव है वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से रिस्पॉन्सिव करके, तो आप देखेंगे सिंपल, ठीक है। तो जंबोट्रॉन फ्लूइड में आप रिस्पॉन्सिव भी सिंपल कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जंबोट्रॉन और यहाँ पे बेच का है जो वो लर्न किया है, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड।